सैकड़ों साल पहले की बात है। किरनार नाम के एक राज्य पर सुमंत नाम का एक राजा राज किया करता था। राजा सुमंत एक बहुत ही न्यायप्रिय और अपनी जनता की भलाई करने वाला राजा था। उसके दरबार में कई मंत्री और दरबारी थे। इन्हीं मंत्रियों में से एक था परमसेन, जो राजा सुमंत को समय समय पर सलाह दिया करता था। इन्हीं दिनों राज्य में एक ज्योतिषी रहते थे जिनका नाम था अखंडानंद। वे अपनी ज्योतिष विद्या के बड़े ही माहिर थे। इतना विद्वान होने के बाद भी उनका जीवन बड़ा ही सादगी से भरा हुआ था। उन्हें किसी तरह का कोई लालच नहीं था। उनके पास जो भी लोग आते थे वे अपनी मर्जी से जो दे जाते अखंडानंद रख लेते थे। किसी से कोई मांग नहीं करते थे। अगर वो चाहते तो अपनी इस विद्या के बल पर धन का ढेर लगा सकते थे। उनकी विद्या इतनी सटीक थी कि वो जो कहते वो सच निकलता था। धीरे धीरे उनके नाम के चर्चे मंत्री परमसेन तक भी पहुंचे। मंत्री ने अपने एक नौकर को अखंडानंद के घर पर भेजा और संदेश दिया कि मंत्री उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन अखंडानंद ने मंत्री जी से मिलने को मना कर दिया और कहा कि अगर मंत्री जी मुझसे मिलना चाहते हैं तो उन्हें खुद मुझसे मिलने के लिए आना पड़ेगा, मुझे उनसे मिलने की कोई इच्छा नहीं है। मंत्री परमसेन को ये अपनी बेइज्जती सी लगी और सोचने लगा कि एक मामूली से आदमी की ये हिम्मत कि मेरे आदेश का पालन ना करे। और फिर कुछ सोचकर वो अखंडानंद के घर जा पहुंचे। अखंडानंद ने उनका स्वागत किया और कहा, हजूर मैं एक गरीब आदमी हूँ, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। अखंडानंद, हमने सुना है कि तुम ज्योतिष विद्या के बड़े ही विद्वान और माहिर हो। हम भी ये विद्या सीखना चाहते हैं, क्या तुम मुझे ये विद्या सिखा सकते हो? ये विद्या मैंने अपने पूर्वजों से सीखी है। अगर आप भी ये विद्या सीखना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उसके लिए आपको मेरे घर पर आना होगा, मुझे मंजूर है, लेकिन मैं भी तुम्हारी पहले परीक्षा लेना चाहता हूँ। फिर मंत्री ने अखंडानंद से कुछ बातें पूछी जिनका अखंडानंद ने अपनी ज्योतिष विद्या से बिल्कुल ठीक ठीक जवाब दिया। मंत्री हैरान था क्योंकि ये बातें उसके अलावा कोई और नहीं जानता था। मंत्री परमसेन उससे बड़ा ही प्रभावित हुआ और फिर वो प्रतिदिन अखंडानंद के घर जाता और ज्योतिष विद्या का ज्ञान सीखने लगा। आहिस्ता आहिस्ता दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई और वे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। अखंडानंद ने बड़ी ही मेहनत से अपने दोस्त परमसेन को ज्योतिष विद्या सिखाई। मंत्री परमसेन अब ज्योतिष विद्या सीख चुका था और उसकी कही हुई बातें भी बिल्कुल सच निकलने लगी थी। एक दिन मंत्री ने सोचा कि मुझे अपने दोस्त अखंडानंद के भाग्य का हिसाब भी लगाना चाहिए। उसने अखंडानंद के भाग्य का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि आने वाले 40 दिन अखंडानंद के जीवन के बड़े ही अशुभ और मनहूस हैं। अगर 40 दिन तक वो घर से बाहर निकला तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। ये देखकर वो परेशान हुआ। वो जानता था कि उसका गणित अब गलत नहीं हो सकता। मंत्री उसी वक्त अखंडानंद के घर पर गया और उसे बताया कि अगले 40 दिन तुम्हारे लिए बड़े ही अशुभ हैं। इतने दिन तक तुम घर से बाहर मत निकलना। जब अखंडानंद ने खुद अपने बारे में हिसाब लगाया तो बात सच निकली। सच में आने वाले 40 दिन उसके लिए बड़े ही अशुभ थे। मंत्री ने कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दे दी है, अब तुम अपना ध्यान रखना। अब हम 40 दिन बाद ही मिलेंगे। ठीक है, मैं 40 दिन तक घर में ही रहूंगा। उम्मीद तो यही है कि मेरी जान सलामत रहेगी, आगे जो ईश्वर की इच्छा। फिर अखंडानंद अपने घर का दरवाजा बंद करके घर में ही रहने लगा। एक एक करके 39 दिन बीत चुके थे, फिर 40वां दिन भी आ गया। अब अखंडानंद को संतोष हुआ कि अशुभ घड़ियां उसके जीवन से निकल चुकी हैं। 40वें दिन वो तैयार हुआ और नहा धोकर ये सोचकर अपने घर से निकला कि मंत्री जी मेरे अच्छे दोस्त हैं, उनसे जाकर मिलना चाहिए। वो हमेशा मेरे घर खुद ही आ जाते हैं, मैं एक बार भी उनके पास नहीं गया। मंत्री से मिलने की खुशी में वो भूल ही गया था
कि 40वां दिन अभी पूरा नहीं गुजरा था और अभी भी अशुभ घड़ियां उसके सिर पर खड़ी थीं। वो खुशी खुशी मंत्री जी के महल की तरफ रवाना हो गया। मंत्री जी के महल की तरफ दो रास्ते जाते थे, एक तो सड़क का रास्ता था और दूसरा नदी के साथ साथ कच्चा रास्ता था। अखंडानंद ने सोचा कि शहर की तरफ से सड़क के रास्ते से जाना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि रास्ते में बहुत से लोग मिलेंगे और तरह तरह के सवाल पूछेंगे कि इतने दिन तुम कहाँ पर थे। इसीलिए वो नदी के कच्चे रास्ते से चल पड़ा। वो चलता गया यहाँ तक कि दोपहर हो गई और सूरज उसके सिर पर चमकने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि वो रास्ता भटक चुका है और एक बियाबान जंगल की तरफ आ निकला है। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था, दूर दूर तक कोई आदमी दिखाई ना देता था और ना ही कोई जानवर। चलते चलते उसे एक पुराना खंडहर दिखाई दिया। अखंडानंद बहुत ही थकावट महसूस कर रहा था। सोचने लगा कि इस खंडहर की इमारत में जाकर कुछ देर आराम कर लूं। ये सोचकर वो खंडहर के अंदर गया। अंदर पहुंचकर उसने देखा कि एक जगह पर 7 बड़े बड़े संदूक रखे हुए थे। अखंडानंद को जिज्ञासा हुई कि इन संदूकों में क्या हो सकता है। उसने तुरंत एक पत्थर लेकर संदूकों के ताले तोड़ दिए। देखा तो उन संदूकों के अंदर खजाना भरा पड़ा था, हीरे मोती सोना चांदी जवाहरात। ये सब देखकर वो इतना बदहवास हो चुका था कि अपनी विद्या के बल पर भी खजाने का राज मालूम ना कर सका। आखिर उसने सोचा कि अपने दोस्त मंत्री परम सेन को इस खजाने के बारे में बताना ठीक रहेगा, क्योंकि इतनी ढेर सारी दौलत मेरे किस काम की है। वो बदहवासी में दौड़ता हुआ शहर की तरफ वापस गया और वहां से मंत्री के महल का रास्ता पकड़ लिया। मंत्री ने जब सुना कि अखंडानंद खुद आया है तो वो बहुत ही हैरान हुआ। उसके हिसाब से तो अभी अखंडानंद का 40वां दिन पूरा नहीं हुआ था। अखंडानंद की जान सूरज ढलने तक खतरे में थी। वो तुरंत अखंडानंद को महल के अंदर बुला लाया और बोला, आपने क्यों तकलीफ की, वैसे भी अभी 40वां दिन पूरा नहीं हुआ है। हाँ भाई, मुझे मालूम है कि आज 40वां दिन है और बाकी के 39 दिनों की तरह ये भी खुशी से बीत जाएगा, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज का दिन मेरे लिए बड़ा ही भाग्यशाली है। इसके बाद उसने खजाना मिलने की बात मंत्री को बता दी और कहा कि इतनी दौलत का भला मैं क्या करूँगा, आप ही ये खजाना रख लें। हाँ, अगर आपका दिल चाहे तो उसमें से कुछ मुझे भी दे देना। ये सुनकर मंत्री बड़ा ही हैरान हुआ। उसने जल्दी से 2 घोड़े मंगवाए और उन पर सवार होकर दोनों खजाने वाली जगह पर पहुंच गए। इतना बड़ा खजाना देखकर मंत्री की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसके मन में तुरंत बेईमानी आ गई। उसने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि अखंडानंद किसी और से इतने बड़े खजाने की बात कह दे, फिर ये बात होते होते राजा के कानों तक पहुंच जाएगी। ऐसा हुआ तो इस खजाने पर राजा कब्जा कर लेगा और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। इसीलिए जरूरी है कि अखंडानंद का काम तमाम कर दिया जाए और उसे मार डाला जाए। ये सोचकर मंत्री ने अखंडानंद को धक्का मार कर जमीन पर गिरा दिया और अपनी तलवार निकाल ली। ये देखकर अखंडानंद हैरान हो गया और बोला, परम सेन क्या बात है, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है। हाँ, गलती तो तुमसे हुई है और तुम्हारी गलती ये है कि इतने बड़े खजाने के बारे में तुमने मुझे बता दिया। अब मुझे डर है कि अगर तुमने ये बात किसी और से कही तो खजाना मेरे हाथ से जाता रहेगा, इसीलिए तुम्हारी जबान बंद करना जरूरी है। ये सुनकर अखंडानंद की आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। वो बोला, मैं वचन देता हूँ कि ये बात किसी और से ना कहूँगा। मंत्री ने हंसकर कहा, बकवास बंद करो, तुम अपनी जान बचाने के लिए ये कसम खा रहे हो। अखंडानंद ने उसकी बहुत ही मिन्नतें की, दया की भीख मांगी, लेकिन मंत्री के सर पर तो मानो खजाने का भूत सवार था। जब अखंडानंद ने देखा कि उसकी जान बचने की कोई उम्मीद नहीं है तो वह बोला, परम सेन, अगर तुम मेरी जान लेना ही चाहते हो
तो मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर देना। बोलो क्या इच्छा है? मेरी पत्नी को बच्चा होने वाला है, उसे कभी मत बताना कि मेरी मौत हो चुकी है। ठीक है, मैं तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगा। ये कहकर उसने अपने दोस्त अखंडानंद को मौत के घाट उतार दिया और फिर खंडहर के बाहर खड़े हुए उसके घोड़े को भी मार डाला। दोनों के शवों को खंडहर के ही अंदर जमीन में दबा दिया। नदी में हाथ पैर धोए और वापिस अपने महल को लौट गया। अब वो बिल्कुल संतुष्ट था कि वो खजाने का अकेला मालिक है। उसने अपने सबसे भरोसेमंद नौकरों को बुलाया और रातों रात सारा खजाना अपने महल में ले आया। राज्य के सबसे बेहतरीन कारीगरों को बुलाकर उस खंडहर को तुड़वाकर एक शानदार महल बनाने का आदेश दे दिया गया। कुछ ही महीनों में नदी के किनारे पर एक शानदार महल बनकर तैयार हो गया। इसी दौरान मंत्री ने अखंडानंद की पत्नी को बुलाया और उससे कहा कि अखंडानंद को मैंने एक विशेष काम से दूसरे देश में भेज दिया है। कुछ दिनों के बाद अखंडानंद के घर पर एक चांद से बच्चे का जन्म हुआ। पत्नी का नाम धनंजय रखा। बेटे के जन्म पर धनंजय की माँ अपने पति को याद करके बहुत ही रोई, क्योंकि बहुत समय हो गया था, उसकी कोई खोज खबर ना मिली थी। वो बदनसीब कई बार अपने पति के बारे में पता करने के लिए मंत्री के महल में गई, मगर दरबानों ने उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। वो इसी को अपना भाग्य समझकर घर बैठ गई और मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को पालने लगी। अखंडानंद का बेटा धनंजय बहुत ही बुद्धिमान था। उसकी माँ ने उसकी शिक्षा के लिए पास ही में रहने वाले एक पंडित जी के पास भेजा। धनंजय बड़ा होने लगा। उसकी बुद्धि दूसरों के मुकाबले बहुत ही तेज थी। समय बीता और धनंजय अब युवा हो चुका था। सब लोग कहते थे कि वो अपने पिता अखंडानंद से भी ज्यादा बुद्धिमान है। एक दिन धनंजय को अपने घर पर एक पुरानी किताब मिली। उसने माँ से उस किताब के बारे में पूछा तो माँ ने कहा, बेटा ये तुम्हारे नाना की लिखी हुई किताब है। वो भी एक बहुत ही बड़े ज्योतिष और भविष्यवक्ता थे। धनंजय को वो किताब बड़ी ही दिलचस्प लगी। किताब के पहले पन्ने पर ही लिखा था कि जो भी इस किताब को पूरा पढ़कर समझ लेगा वो भूत और भविष्य की सभी बातें जान सकेगा और साथ ही साथ किसी के भी मन की बात जान पाएगा। धनंजय उस किताब को बड़े ही ध्यान से पढ़ने लगा। थोड़ी देर के बाद वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, साथ ही किताब भी पढ़ता जा रहा था। फिर अचानक ही हंसने लगा। उसकी माँ हैरानी से ये सब देख रही थी और पूछने लगी, क्या हुआ बेटा, तुम कभी हंस रहे हो तो कभी रो रहे हो? माँ ये एक अजीबोगरीब किस्म की किताब है, इसे पढ़कर मुझे पता चल गया है कि मेरे पिता को एक जालिम आदमी ने मार डाला है। यही वजह है कि मैं रो पड़ा, और हंसा इसलिए कि एक दिन मैं अपने पिता की मौत का बदला उससे जरूर लूंगा। सच बात जानकर धनंजय की माँ बहुत रोई, लेकिन धनंजय ने उसे दिलासा दिया, माँ ये किताब मुझे बताती है कि एक दिन राजा सुमंत मुझे अपना मंत्री बनाएंगे और मेरे पिता का कंकाल अभी भी वहीं पर दबा है जहाँ मंत्री परम सैन ने अपना नया महल बनवाया है। उसने वहीं पर मेरे पिता की हत्या की थी। अच्छा, अब मैं बाजार जाकर कुछ खाने पीने का राशन लेकर आता हूँ। लेकिन बेटा, राशन के लिए हमारे पास पैसे तो नहीं है। तू चिंता ना कर माँ, इस किताब ने मुझे ऐसा तरीका बताया है जिससे बिना पैसे के ही हमें राशन मिल जाएगा। ये कहकर धनंजय गांव के बनिए के पास गया और बनिए से बोला, क्या तुम मुझे जानते हो? बनिए ने कहा, तुम अखंडानंद के बेटे हो। ठीक कहा, तुम कल से रोज मेरे घर पर चार सिर आटा, दो सिर चावल, एक सिर दाल और घी भेज दिया करना। वो तो ठीक है, लेकिन इसके पैसे कौन देगा? धनंजय ने घूर कर बनिए को देखा और कहा, तुम भूल गए कि अभी कुछ दिन पहले ही मैं एक किसान को तुम्हारे पास 100 मन अनाज बेचने के लिए लाया था और तुमने धोखे से उसका सारा अनाज हथिया लिया था। और यही बात मैं अपने न्यायप्रिय राजा को बता दूं तो वो तुम्हें काल कोठड़ी में डाल देंगे। धनंजय के मुंह से ये बात सुनकर बनिया थर थर कांपने लगा। धनंजय ने तो उसका सारा राज जान लिया था
और ये बात सच भी थी कि उसने पिछले महीने एक किसान को लूट लिया था जिसे धनंजय लेकर आया था। बनिया हैरान था कि धनंजय को ये राज की बात कैसे मालूम हुई। वो फौरन हाथ जोड़कर बोला, ठीक है मैं वही करूंगा जैसा तुम कहते हो, लेकिन मेरी शिकायत महाराज से मत करना। धनंजय वापिस अपने घर चला गया। अब वो आराम से अपने नाना की लिखी हुई किताब पढ़ने लगा। जैसे जैसे वो किताब पढ़ता चला गया, सैकड़ों और हजारों बातें उसे मालूम होती चली गई। यहाँ तक कि वो इस विद्या में इतना माहिर हो गया कि रास्ते चलते आदमियों के दिल की बात भी वो जान लेता था, और कभी ऐसा ना हुआ कि उसके मुंह से निकली हुई बात गलत साबित हुई हो। लोग उसके बारे में कहते थे कि वो अपने पिता अखंडानंद से भी ज़्यादा बुद्धिमान और काबिल है। एक दिन धनंजय की माँ ने कहा, बेटा मेरा मन मेथी का साग खाने का हो रहा है, लेकिन शहर में मेथी का साग कहीं पर नहीं मिलता। मैंने सुना है कि मंत्री परम सैन के बाग में मेथी का साग लगा हुआ है, किसी को भेजकर वो साग वहाँ से मंगवा दे। मंत्री परम सैन का नाम सुनकर धनंजय के तन बदन में आग लग गई। वो कहने लगा, ठीक है माँ मैं मेथी का साग खुद लेने जाता हूँ। जब धनंजय बगीचे में पहुंचा तो दरवाजा बंद था। उसने बगीचे के रखवाले को आवाज दी। थोड़ी देर बाद एक मोटा सा आदमी दरवाजे पर आया और गुस्से से बोला, क्या बात है भाई क्यों चिल्ला रहे हो? मेरी माँ का दिल मेथी का साग खाने का है, बस वही चाहता हूँ। तू जानता है कि ये मंत्री जी का बगीचा है, कोई साग की दुकान नहीं है, दफा हो जा यहाँ से। रखवाला दरवाज़ा बंद ही करने वाला था कि धनंजय ने चिल्ला कर कहा, खबरदार दरवाज़ा बंद मत करना, कल जो सांप तूने मारा था उसकी मादा तुझे डसने के लिए छिपी बैठी है। ये बात सुनकर रखवाला हैरान रह गया। उसने झुककर बाग में इधर उधर देखा तो सचमुच एक नागिन वहां पर दिखाई दी। रखवाला एकदम चौकन्ना हो गया और सोचने लगा कि ये लड़का सचमुच कमाल है, मैंने ऐसे ही इसे डांट दिया। वो पूछने लगा कि तुम्हें कैसे पता चला कि कल मैंने सांप को मारा था और मुझे उसकी मादा डसने वाली है? धनंजय ने कहा, तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तुम्हें साग देना है तो दो वरना मैं जाता हूँ। चलो मेरे साथ अंदर चलो, मैं तुम्हें ढेर सारा साग दूंगा, परंतु ये बात किसी और को मत बताना वरना मंत्री परम सैन मेरी खाल खिंचवा देगा। तुम परम सैन की चिंता ना करो, उसकी जिंदगी के अब थोड़े ही दिन रह गए हैं। रखवाले ने धनंजय को एक तरफ बिठाया और उसके लिए मेथी का साग लेने के लिए चला गया। उसी दौरान मंत्री परम सैन टहलता हुआ बाग में आ पहुंचा। उसने धनंजय को देखा तो रखवाले से पूछा कि ये कौन है? हजूर ये लड़का बड़ी ही अजीबोगरीब बातें करता है जो मेरी समझ से बाहर हैं। फिर उसने साग मांगने और सांप की बात उसे बता दी। मंत्री बड़ा ही हैरान हुआ और धनंजय को गौर से देखने लगा। उसने रखवाले को वहां से जाने के लिए कह दिया और धनंजय से पूछा, लड़के तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम धनंजय है और मेरे पिता अखंडानंद हैं। अखंडानंद का नाम सुनकर मंत्री कांप गया, उसके अंदर डर समा गया, लेकिन फिर वो संभल कर बोला, तेरे पिता को मैं जानता हूँ, बड़े ही नेक आदमी हैं वो, मैंने उन्हें एक काम से देश से बाहर भेजा हुआ है। ये सुनकर धनंजय को गुस्सा आ गया और वो बोला, आप गलत कहते हैं, मेरे पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं, उन्हें एक निर्दयी आदमी ने धन के लालच में मार डाला है, अब मैं अपने पिता की हत्या का बदला लेना चाहता हूँ। ये बात सुनकर मंत्री परम सैन के होश उड़ गए। वो समझ गया कि इस लड़के को सब मालूम है और ये मुझसे बदला लेकर ही रहेगा, किसी तरह धोखे से इसे ठिकाने लगाना पड़ेगा। मंत्री बोला, दुख की बात है कि तुम्हारे पिता की हत्या हो गई है, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन अब मैं उस पापी को अपने हाथों से सजा दूंगा। अच्छा अब तुम ये बताओ कि तुम बाग में क्या करने आए हो? मुझे मेथी का साग चाहिए था जो सिर्फ इसी बाग में होता है। ठीक है तुम यहीं पर रुको, मैं अभी किसी नौकर को बुलाकर मेथी का साग तोड़वाता हूँ। ये कहकर मंत्री एक तरफ चला गया और अपने एक खास नौकर को अकेले में बुलाकर कहने लगा
एक लड़का उधर बाग में बैठा हुआ है, तुम उसे बहला फुसला कर धोखे से किसी भी तरह तहखाने में ले जाओ और वहां पर बंद कर दो, ताकि वो वहीं पर भूखा प्यासा तड़प तड़प कर मर जाए। अगर तुम ये काम कर दोगे तो मैं तुम्हारे मन की इच्छा पूरी कर दूंगा और साथ ही तुम्हें हीरे जवाहरातों से तोल दूंगा। ये बात सुनकर नौकर तुरंत बगीचे की ओर गया। उसने पीछे से जाकर धनंजय को जकड़ लिया और उसे उठाकर तहखाने की तरफ बढ़ने लगा। धनंजय ने चिल्लाकर कहा, अरे नौकर, तू ये क्या करता है? परम सैन तेरे मन की इच्छा कभी पूरी नहीं करेगा, वो झूठा आदमी है। अगर तूने मुझे मारा तो परम सैन तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। नौकर हैरान हुआ और उसे नीचे रखकर धीरे से बोला, तुझे क्या पता कि मेरे मन में क्या इच्छा है? मैं सब कुछ जानता हूँ। तू मंत्री की बेटी से शादी करना चाहता है और मन ही मन में मंत्री की बेटी भी तुझसे प्यार करती है। नौकर धनंजय के कदमों में गिर पड़ा और बोला, हाँ, मेरी यही इच्छा है। मैं तेरी शादी मंत्री की बेटी से करवा सकता हूँ और वो समय जल्द ही आने वाला है जब मंत्री को मेरी जरूरत पड़ेगी, मगर तुम उस वक्त तक उसे मेरा पता ना बताना जब तक कि वो तुम्हें 3 तमाचे ना मार दे। लेकिन मंत्री ने मुझे तुम्हें तहखाने में बंद करने के लिए हुक्म दिया है। हाँ, तुम उसे कह देना कि तुमने मुझे तहखाने में बंद कर दिया है। और नौकर ने उसे छोड़ दिया। धनंजय ने मेथी का साग लिया और अपने घर को चल दिया। उसके बाद नौकर परम सैन के पास गया और बोला, मैंने उस लड़के को तहखाने में बंद कर दिया है मालिक। मंत्री अब संतुष्ट था कि उसके रास्ते का कांटा साफ हो गया है। जिस दिन मंत्री ने धनंजय को तहखाने में बंद करने की साजिश की, उसी रात महाराज सुमंत को एक अजीबोगरीब सपना दिखाई दिया। लेकिन जब उनकी आंख खुली तो उसे वो सपना याद नहीं रहा। वो बाकी सारे काम भूलकर इसी उधेड़ बुन में लग गया कि रात को उसने क्या सपना देखा था। वो दरबार में आया और अपने सभी मंत्रियों से ये बात कही कि वो जानना चाहता है कि रात उसने क्या सपना देखा था और उसके सपने का मतलब क्या था। सारे मंत्री परेशान थे कि आखिर राजा के सपने के बारे में कैसे पता किया जाए। राजा ने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री यानी परम सैन से कहा कि तुम हमारे सबसे योग्य मंत्री हो, तुम ही बताओ कि रात को हमने क्या सपना देखा था। जब वो भी राजा के सपने के बारे में बताने में नाकाम रहा तो राजा सुमंत गुस्से से लाल पीला हो गए और बोले, अगर 30 दिन के अंदर तुम मुझे मेरे सपने के बारे में ना बता सके तो तुम मंत्री रहने के लायक नहीं हो, और फिर तुम तो ज्योतिष विद्या भी जानते हो, मेरे सपने के बारे में ना बता सके तो तुम्हारी खैरियत नहीं है। राजा का गुस्सा देखकर मंत्री घबरा गया। दरबार खत्म होने के बाद वो अपने महल में गया। करते करते 30 दिन भी बीत गए, मगर मंत्री को समस्या का कोई हल ना मिला। तभी अचानक उसे अखंडानंद के बेटे का ख्याल आया। दिल में वो सोचने लगा कि मैंने नाहक ही उसे मरवा डाला, अगर वो आज जिंदा होता तो जरूर सपने के बारे में मुझे बता देता। फिर मंत्री को ख्याल आया कि हो सकता है वो जिंदा हो, नौकर ने उसे छोड़ दिया हो। फिर उसने उसी नौकर को बुलाया और कहा, बहुत दिन पहले मैंने तुम्हें एक लड़के को तहखाने में डालने को कहा था, मुझे यकीन है कि वो तुम्हारे हाथों से बच निकला होगा। नहीं हजूर, मैंने तो उसे तहखाने में बंद कर दिया था, अब तक तो उसकी हड्डियां भी गल गई होंगी। मंत्री आग बबूला हुआ और नौकर को एक के बाद एक 3 तमाचे मार डाले और बोला, तू झूठ बोलता है, सच बता। जी, सच बात तो ये है कि वो लड़का जिंदा है। ये बात तूने पहले मुझे क्यों नहीं बताई? हजूर, ये बात मुझे उसी लड़के ने कही थी कि जब आप 3 तमाचे मुझे मारें तभी मैं आपको सच बताऊं। ठीक है, अब तुम जाओ और धनंजय को लेकर आओ। नौकर तुरंत धनंजय के घर पर गया और उसे लेकर मंत्री के पास आया। मंत्री ने धनंजय से माफिया मांगी और कहने लगा कि राजा सुमंत ने एक सपना देखा है और वो भूल चुका है कि क्या सपना था। तुम अपनी विद्या के बल पर उसका सपना बताओ और उस सपने का मतलब भी बताओ, तभी सब दरबारियों की जान बच सकती है। ठीक है, अगर ये बात है तो कल आप दरबार में राजा से कहिएगा
कि आपका एक शिष्य राजा के सपने के बारे में बता सकता है और फिर दरबार में मुझे बुलवा लीजिएगा, मैं वहीं पर राजा के सपने का राज बता दूंगा। इस समय मुझे आप जाने दीजिए। मंत्री बेचारा क्या करता, वो इस बात पर राजी हो गया। अगले दिन राज दरबार में मंत्री ने राजा से वही बात कही कि मेरा एक शिष्य है जो आपके सपने का रहस्य बता सकता है। राजा ने तुरंत एक सिपाही को धनंजय को बुलाने के लिए भेज दिया। थोड़ी देर बाद सिपाही खाली हाथ लौटकर वापस आया और बोला, हजूर, धनंजय राज दरबार में आने को तैयार है, परंतु उसे कोई सवारी पसंद नहीं आ रही। उसने एक अजीब शर्त रखी है, कहता है कि वो सिर्फ मंत्री परमसेन की पीठ पर सवार होकर ही महल में आएगा। सारा दरबार ये बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगा और राजा भी। फिर राजा ने कहा, मंत्री जी, लगता है आपने अपने शिष्य को बड़ी ही तकलीफ दी है, इसीलिए वो आपको बेइज्जत करना चाहता है। खैर, कारण जो भी हो, हमें अपने सपने के बारे में जानना है। आप वही करिए जैसा कि आपके शिष्य ने कहा है, जाओ और उसे अपनी पीठ पर बिठा कर ले आओ। मंत्री ना चाहते हुए भी शर्मिंदगी के साथ धनंजय के घर पर पहुंचा और धनंजय उछलकर उसकी पीठ पर बैठ गया और चाबुक मारता हुआ रास्ते भर ये बोलता हुआ आया कि देखो ऐ लोगों, आज मैं अपने पिता के हत्यारे के साथ क्या सलूक कर रहा हूँ। महल पहुंचकर वो मंत्री की पीठ से उतरा और राजा ने पूछा, युवक, पहले ये बताओ कि मंत्री ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया है जो तुमने उसे ये सजा दी। महाराज, इसने मेरे बेकसूर पिता की हत्या की है। मंत्री चिल्लाया, हजूर, ये झूठ बोलता है, मैंने इसके पिता को एक काम से देश से बाहर भेजा हुआ है। नहीं महाराज, मेरे पिता का और उसके घोड़े का हड्डियों का कंकाल आज भी नदी के पास इसके महल के नीचे मौजूद है। राजा बहुत ही हैरान था। उसने कहा, ठीक है, मैं इस बात की छानबीन करवाऊंगा। पहले तुम ये बताओ कि मैंने क्या सपना देखा और उस सपने का मतलब क्या है। महाराज, आपने देखा कि आसमान से एक उड़ता हुआ पक्षी आया, उसकी चोंच में अंगूर का एक गुच्छा था, उस अंगूर के गुच्छे में 7 दाने थे। पक्षी ने वो गुच्छा आपके हाथ पर रखा और उड़ गया, लेकिन जब आप अंगूर खाने लगे तो एक कौवा आया और उस गुच्छे को आपके हाथ से लेकर उड़ गया। राजा ने कहा, सच, बिल्कुल सच, मैंने बिल्कुल यही सपना देखा था। अब तुम ये बताओ कि इस सपने का मतलब क्या है। हजूर, आपके सपने की सच्चाई आपके सामने ही मौजूद है। मेरे पिता अखंडानंद को 7 संदूक मिले थे जिनमें खजाना भरा हुआ था। मेरे पिता ने इस बात की जानकारी मंत्री जी को दी तो मंत्री जी ने लालच में आकर मेरे पिता की हत्या करवा दी ताकि वो खजाने की बात किसी और को ना बता सकें, और जो खजाना राज खजाने में जाना चाहिए था वो इस मंत्री के कब्जे में है। मेरे और मेरे पिता के घोड़े को मारकर मंत्री जी ने वहीं जमीन में गाड़ दिया था। यही आपके सपने की असलियत है। मंत्री को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और उसके महल की तलाशी ली गई, जहां पर वो 7 खजाने से भरे हुए संदूक भी मिल गए। उसके महल के बाग की खुदाई की गई, जहां अखंडानंद और उसके घोड़े की हड्डियों के कंकाल मिले। मंत्री जी के सारे अपराध उजागर हो चुके थे। वो राजा से माफी मांगने लगा, लेकिन न्यायप्रिय राजा ने उसे मृत्यु दंड की सजा सुना दी। फिर धनंजय ने अपने पिता की अस्थियों को पूरे ही रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार किया। इसके बाद राजा ने धनंजय से कहा, बेटे, तुम बहुत ही बुद्धिमान और योग्य युवक हो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे मंत्री बन जाओ। धनंजय ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और कहा, हजूर, मेरी एक प्रार्थना है, कहो क्या कहना चाहते हो। हजूर, मंत्री जी की बेटी की शादी मेरे एक आदमी से कर दी जाए, उनकी बेटी भी उस आदमी को चाहती है। राजा ने मंत्री की पत्नी को बुलाया और उसकी बेटी की शादी की बात कही। वो इस बात पर तैयार हो गई। फिर मंत्री की बेटी की शादी उस नौकर के साथ कर दी गई जिसने धनंजय को तहखाने में डालने की बजाय छोड़ दिया था। धनंजय ने अब अपने पिता की हत्या का बदला ले लिया था और वो महाराज सुमंत का एक मंत्री बनकर अपनी माँ के साथ
एक शानदार महल में रहने लगा और एक अच्छा जीवन बिताने लगा।